तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपने फेसबुक के ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। तो कई बार क्या होता है कि आप अपना फेसबुक अकाउंट किसी ईमेल आईडी से बनाते हो और बाद में आप उस ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल जाते हो। तो ऐसे में अगर आपको फ्यूचर में फेसबुक का पासवर्ड चेंज करना हो या फिर रीसेट करना हो, तो उस दौरान आपको ओटीपी चाहिए होता है, जो कि आपके फेसबुक अकाउंट पे एडेड ईमेल आईडी पे भेजा जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने फेसबुक अकाउंट के ईमेल आईडी को चेंज कर सकते हो। तो वीडियो यहाँ पे बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखते रहिए। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में फेसबुक ऐप को ओपन कर लेना है। फेसबुक ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको इस थ्री लाइन पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको सेटिंग एंड प्राइवेसी का ऑप्शन दिखेगा, तो आपको इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ पे सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे ही पहला ऑप्शन मिलता है सेटिंग, तो आपको इस पे टैप करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट के नीचे पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पे आपको इस पे टैप करना है पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे। उसके बाद यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट इन्फो के ऑप्शन में जाना है, तो यहाँ पे आपको अपना नया फ़ोन नंबर या फिर ईमेल आईडी ऐड करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी ऐड करने के लिए इस पे टैप करना है। तो यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर कर देना है, जो भी आपका एग्जिस्टिंग फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड है, और यहाँ पे आपको ऐड ईमेल पे टैप कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है, तो जो भी आप नया ईमेल आईडी ऐड करोगे उसको यूज़ करके आप अपने फेसबुक अकाउंट को लॉगिन कर सकते हो, और तो और आप अपने फेसबुक पासवर्ड को भी रीसेट कर सकते हो ईजिली। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल आईडी इंटर करके और पासवर्ड इंटर करके ऐड ईमेल पे टैप कर देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड इंटर कर दिया है, अब यहाँ पे मुझे ऐड ईमेल पे टैप करना है। उसके बाद जो भी ईमेल आईडी आपने ऐड किया है उस पर ओटीपी भेजा जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस टाइप का मेरे पास मेल आया हुआ है, जिसमें कि एक कन्फर्मेशन कोड है, तो यहाँ पे आपको कन्फर्म पे टैप कर देना है और यहाँ पे आपको अपना कन्फर्मेशन कोड इंटर कर देना है। यहाँ पे आपको रिसेंट कन्फर्मेशन ईमेल का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आपका कन्फर्मेशन कोड रिसीव नहीं हुआ है तो यहाँ पे आप रिसेंट पे टैप करके कन्फर्म कर सकते हो। तो यहाँ पे मेरा रिसीव हो चुका है, तो यहाँ पे मैं कन्फर्म कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे आपका सक्सेसफुली ईमेल आईडी ऐड हो जाता है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो में बताए गए स्टेप्स आपको समझ में आ गए होंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और इसी टाइप के यूज़फुल वीडियो आगे भी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा, अगर आपको कोई स्टेप समझ में नहीं आया या फिर आपके मन में कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। फिलहाल इस चैनल से जुड़े रहें, अभी के लिए बाय बाय।